हाय गाइस, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेंचर के ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो एक्सेंचर जो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट कर रहा है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और एग्ज़ाम 135 मिनट्स का होता है, जिसके कंटेंट्स होते हैं कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग राउंड, कम्युनिकेशन असेसमेंट, इंटरव्यू राउंड। सो 135 मिनट का जो टेस्ट है उसमें केवल दो, फर्स्ट के टू हमारे इफेक्ट होंगे, एप्लीकेबल होंगे, मीन्स कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट और कोडिंग राउंड। कम्युनिकेशन असेसमेंट केवल उन्हीं का होगा जो फर्स्ट टू राउंड्स को क्लियर करेंगे, एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू उन्हीं का होगा जो फर्स्ट थ्री को क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन राउंड है या कम्युनिकेशन असेसमेंट है, ये डिसाइसिव नहीं है। मेरा असेसमेंट जहाँ तक है कि जो डिसाइसिव है वो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट एंड कोडिंग राउंड। तो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग ऐसा है, इंग्लिश एबिलिटी के 17 क्वेश्चन होंगे इसमें, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 18 क्वेश्चन होंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, कॉमन अप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, इट मीन्स दे आर थिंकिंग कि आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का एक टेस्ट लिया जाए, तो उसके 12 क्वेश्चन होंगे, सीडो कोड के 18 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि लॉजिकल एबिलिटीज आपको चेक किया जाएगा, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो एबिलिटीज हैं उसको टेस्ट किया जाएगा, इसके 18 क्वेश्चन होंगे, एंड 10 क्वेश्चन होंगे नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड से रिलेटेड। सो ये जो 90 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए जो उन्होंने टाइम अलॉट किया है वो 90 मिनट्स है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 50 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दिस इज नॉट द कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं, और टेक्निकल सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे, कॉमन अप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के 12 क्वेश्चन, सीडो कोड के 18 क्वेश्चन और नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड के 10 क्वेश्चन। सो 90 मिनट का ये टेस्ट होगा, कोई भी क्लियर बाउंड्री नहीं है 50 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन के बीच में। इसका मतलब क्या है कि ये जो टेस्ट आएगा वो एक साथ आपको फ्लैश होगा वो 90 क्वेश्चन का। तो जो कोडिंग असेसमेंट है उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, इसमें दो इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो प्रॉब्लम को प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं और उसके इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को असेस नहीं कर पाते कि क्या रिक्वायर्ड है। तो प्रॉब्लम को पढ़ना भी जरूरी है और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप सैम्पल इनपुट्स को देखें और उससे कॉरस्पॉन्डिंग सैम्पल आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है वो आप समझें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार कोडिंग असेसमेंट में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको गिवन है और, एंड और XOR ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में, और आपसे ये कहा गया कि इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके दिखा दो। तो आपने सोचा, जो असेसमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहा इस क्वेश्चन के लिए ऐसा रहा कि उन्होंने समझा कि किसी भी ऑपरेटर की सेम प्रायोरिटी है, तो लेफ्ट टू राइट वो स्कैन किया और उन्होंने और इवेलुएट करके आंसर दे दिया, जबकि ये बिल्कुल ही गलत था। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए था कि किन ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली आप सबसे पहले उसको इवेलुएट करें, देन जिसकी कम प्रायोरिटी है आप उसको इवेलुएट करें, और जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको सबसे लास्ट में आप इवेलुएट करें। इसका मीनिंग ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन के इवेल्यूशन की बात कही जा रही है जिसमें कि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने सेकेंड ईयर में बेसिक्स में पढ़ा होगा कि एक नॉर्मल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम इवेलुएट करने के लिए पहले पोस्टफिक्स में उसको कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसका इवेल्यूशन करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना था कि हमें पहले प्रेसिडेंस रूल सेट करने थे, प्रेसिडेंस रूल्स के हिसाब से प्रेसिडेंस फंक्शन आप डिजाइन करते एंड देन आप इवेल्यूशन करते बाय कन्वर्जन ऑफ दैट एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एंड देन फाइनली दी इवेल्यूशन। सो बहुत ही ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़िए। इसको हम मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन कहेंगे, ईजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन का जिसको आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना है, उसका कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि एक ईजी और एक मीडियम लेवल क्वेश्चन होगा। और आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्री का सिनेरियो है उसके हिसाब से अगर आप दोनों क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए इस प्रोसेस को बीट कर पाना, इस प्रोसेस को इस प्रोसेस में सक्सेस पा पाना।
सो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो कोडिंग राउंड है इसमें आप सबसे ज़्यादा एफर्ट अपने पुट करें, जिससे कि 45 मिनट्स में जो आपके दो क्वेश्चन है, दो के दोनों क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर पाएं। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसके सिलेबस को। तो एक्सेंचर के जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का है उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे, नंबर एंड लेटर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, ऑड मैन आउट के क्वेश्चन होंगे, एनालॉजीज के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे एंड विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। सिमिलरली जो क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन है उसमें डेटा अरेंजमेंट, जो अभी हमने पिछला डिस्कस किया उसमें ऐसा था कि जो भी जो पार्ट्स अलग अलग हमने बताए उनमें लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर सेक्शन से, लेकिन इसमें जो क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेक्शन है उसमें आप डाटा अरेंजमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। इसका वेटेज लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस का हो सकता है, एंड देन दो दो क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके फ्लो चार्ट्स के, डाटा सफिशियंसी के और आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस के, सिलॉजिज्म्स के, स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी दो तीन क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इंग्लिश एबिलिटी में किस किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट आप करेंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के, एरर डिटेक्शन के, पैरा जंबल्स के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। तो ये इन सभी क्वेश्चंस या इन सभी सेक्शंस के भी जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करेंगे वो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे। देन इंग्लिश एबिलिटी में आई थिंक हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कॉमन एप्लीकेशंस एंड एमएस ऑफिस के किस किस तरह के आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एमएस ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, एक्सेस, इन सब के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं, वर्ड के फीचर्स क्या हैं, वर्ड में क्या हम ये कर सकते हैं, या इनमें से कौन सा है ऐसे फीचर्स हैं जो वर्ड के फीचर्स वर्ड में के फीचर्स में सपोर्ट नहीं करता, तो ऑड मैन आउट जैसे क्वेश्चंस, ब्राउजर्स के फंडामेंटल्स बिजनेस, जो आप ब्राउजर यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं, गूगल क्रोम, इस तरह के जो ब्राउजर्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इन ब्राउजर्स से रिलेटेड फंडामेंटल क्वेश्चंस। देन शॉर्टकट की, फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि अगर आपको किसी विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो आप कौन से की का यूज करते हैं शॉर्टकट, सो ऑल्ट स्पेस बार एंड ऑल्ट स्पेस बार एंड एक्स। सिमिलरली अगर आप को ये कहा जाए कि आप किसी विंडो को आपको मिनिमाइज करना है तो आप कैसे करेंगे, या आपके स्क्रीन के ऊपर सभी विंडोज को मिनिमाइज करना है तो आप विंडोज प्लस एम का यूज करते हैं। तो इस तरह के शॉर्टकट कीज होते हैं, अगर आप किसी एक विंडो को देख रहे हैं और आपको दूसरी विंडो को देखना है तो इसके लिए आप ऑल्ट टैब को प्रेस करते हैं। तो इस तरह के बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन शॉर्टकट कीज। देन कमांड प्रॉम्प्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं कमांड प्रॉम्प्ट से, तो आप पिंग का यूज करते हैं फॉलोड बाय द आईपी एड्रेस। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि कमांड प्रॉम्प्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं अपने फोल्डर के अंदर सभी फाइल्स का, या नंबर ऑफ फाइल्स देखना चाहते हैं, तो आप कैसे ये काम करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट के बेसिक बेसिक क्वेश्चन। सिमिलरली वर्किंग फ्लो ऑफ कीज, देन नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस। नेटवर्क सिक्योरिटी को आप सिंपल नेटवर्क सिक्योरिटी मत माने, इसको हम इस तरह से मानेंगे कि नेटवर्क के भी क्वेश्चंस होंगे और नेटवर्क सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस होंगे। तो नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स, हो सकता है कि आपसे लैन मैन वैन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, आपसे आईपी एड्रेसेस के या क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस के कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ सबनेटिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, जो भी आपके नेटवर्क फंडामेंटल्स हैं उसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसमें बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के क्वेश्चंस, नेटवर्क सिक्योरिटी के क्वेश्चंस, एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स एंड एल्गोरिथम्स, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस, अटैक टाइप्स एंड फायरवॉल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पोर्ट नंबर के बारे में भी जानकारी रखिए, और जो लेयर्स होती हैं उसके बारे में भी जानकारी रखिए, और किस लेयर की क्या वर्किंग है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। क्लाउड का जो सिलेबस है वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाउड डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म्स, स्यूडो कोड जो है
उसमें वैसे तो आपको पता है, आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको ये रफ आइडिया होगा कि स्यूडो कोड में किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो स्यूडो कोड में कोड का डिटेल्ड सिलेबस अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, लूपिंग, अरेज, रिकर्शन, फंक्शन, बिट वाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आप इन सभी से लगभग लगभग सेम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या दो दो तीन तीन क्वेश्चन आप इन सभी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिकर्शन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिकर्शन में बिल्कुल सिंपल रिकर्शन की जगह या आउटपुट ओरिएंटेड क्वेश्चन की जगह आप ये एक्सपेक्ट करें कि रिकर्शन की डेप्थ कितनी होगी, या कोई एक रिकर्सिव कॉल आपको गिवन है और इसके साथ साथ रिकर्सिव फंक्शन गिवन है, तो आपको अगर ये पता करना हो कि इस रिकर्सिव फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो आप इसमें ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की बात है, बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं है डेटा स्ट्रक्चर के, लेकिन एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए हर एक डेटा स्ट्रक्चर का, स्टार्टिंग फ्रॉम एरेज, स्ट्रिंग, तो जब आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेंगे तो आपका एक असेसमेंट कम्युनिकेशन टेस्ट का भी होगा, और कम्युनिकेशन टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ईयरफोन होना चाहिए और वायर्ड ईयरफोन आपके पास होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन टेस्ट में क्या क्या एक्सपेक्टेड है? रीडिंग, लिसनिंग एंड रिपीट, क्वेश्चन एंड आंसर, सेंटेंस जंबल, सेंटेंस बिल्ड्स, स्टोरी टेलिंग और स्पीकिंग। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक्सपेक्ट करेंगे कम्युनिकेशन टेस्ट राउंड में। ये डिसाइसिव नहीं है और ये कोई रोल नहीं प्ले करता आपके स्क्रीनिंग में, इसे कोई रोल प्ले नहीं करता। तो आई होप कि आप इसके बारे में समझ गए हैं, एक्सेंचर के सभी राउंड्स के बारे में। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इन राउंड्स को क्लियर करेंगे तभी आप इंटरव्यू राउंड में पहुंचेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया है एक्सेंचर का। सो विश यू गुड लक फॉर द एक्सेंचर एग्जाम्स, एंड 135 मिनट के टेस्ट में बहुत ही पॉजिटिवली एग्जाम में बैठिए और फ्री माइंड से बैठिए। मान लीजिए कि एग्जाम आपका ही है, कॉन्फिडेंस आप में, कॉन्फिडेंस लेवल को अप कीजिए। घबराना नहीं है टेस्ट में क्वेश्चंस को देख के या नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख के कि 90 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में कैसे होगा। एक्चुअली इसका टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसा ही करना होगा कि आपका जो स्ट्रांग एरिया है, आप सबसे पहले उसी के क्वेश्चंस को पिक कीजिए, जिससे कि आपका स्पीड अप होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे कम देरी में, और जो टाइम बच जाएगा उसमें आपका जो वीक एरिया है आप उसके क्वेश्चन को पिक कीजिए। सो वंस अगेन विश यू गुड लक फॉर दी एक्सेंचर एग्जाम। थैंक यू।